सुप्रभात प्रिय दोस्तों, मैं सुनील कुमार प्रजापति आपके लिए पर्यावरण पारिस्थितिकी के ऐसे प्रश्न जो आपको टेट सी टेट सुपर टेट आर ओ बी ई ओ यूपीएससी यूपीपीसीएस इन सब में इस पार्ट से क्वेश्चन आते हैं और बहुत अधिक आते हैं। तो बच्चों, मैं आपको इस पीडीएफ फाइल की सहायता से आपको मैं बहुत कम समय में ये पूरा का पूरा पर्यावरण पारिस्थितिकी बहुत कम समय में रिवीजन करा दूंगा। आप ध्यान दे करके सुनते रहें, बस सुनने से ही आपके दिमाग में सोचने की क्षमता और प्लस समझने की क्षमता बहुत स्पीड में हो पाएगी। तो आइए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए, जिससे कि संख्या पर्याप्त हो सके। और मुझे बहुत बड़ी खुशी होती है जब आप शेयर सब्सक्राइब लाइक कर देते हैं, तो आपके मित्र को एक आंतरिक एनर्जी आंतरिक मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम बहुत अधिक एनर्जेटिक होकर के आपके लिए इसी तरह की बहुत अच्छी अच्छी पीडीएफ फाइल की सहायता से आपका रिवीजन बहुत कम समय में करवा देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वैकल्पिक ऊर्जा सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है। संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्ष 2014 से 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ नई दिल्ली में। 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है दीव। कभी कभी समाचारों में दिखाई पड़ने वाले घरेलू अंश आवश्यकता डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट पद का संबंध जिससे होता है वह है सौर शक्ति उत्पादन के विकास से। शैवाल आधारित जैव ईंधन उत्पादन को स्थापित करने और इंजीनियरिंग करने हेतु निर्माण पूरा होने तक जरूरत होती है उच्च स्तरीय विशेषज्ञता प्रौद्योगिकी की। ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत सौर ऊर्जा है। सौर पवन ज्वारी पन बिजली ऊर्जा आदि प्राकृतिक संसाधन उदाहरण हैं नवीकरणीय ऊर्जा के। कभी ना समाप्त होने वाली तथा प्रदूषण रहित ऊर्जा सौर ऊर्जा होती है। वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहागार है सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा प्राप्त होती है सूर्य से। जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग सौर ऊर्जा की जाती है। सूर्य के प्रकाश को सौर ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है फोटोवोल्टोइक तकनीक के द्वारा। पेट्रोलियम उत्पाद वन उत्पाद नाभिकीय विखंडन तथा सौर सेल में से सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल है सौर सेल। जीवाश्म ईंधन नहीं है यूरेनियम। पौधे के वे उत्पाद जो हजारों वर्षों से पृथ्वी के नीचे दबे पड़े थे या पौधे के वे जीवाश्म जिनका उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं कहलाते हैं जीवाश्म ईंधन। नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन हेतु कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है यूरेनियम। परमाणुओं के संयोजन अथवा विखंडन प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न की जाती है नाभिकीय ऊर्जा। न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के महत्व को देखते हुए भारत में वर्ष 2003 में गठन किया गया है राष्ट्रीय हाइड्रोजन बोर्ड का। वैज्ञानिकों के अनुसार भविष्य का ईंधन है हाइड्रोजन। ऊर्जा संकट से तात्पर्य है कोयला तथा पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन के समाप्त होने का खतरा। कोयला खनिज तेल एवं गैस जल विद्युत तथा परमाणु ऊर्जा में से भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत है जल विद्युत। सौर शक्ति जैव पुंज शक्ति लघु जल विद्युत शक्ति तथा अपशिष्ट से अर्जित ऊर्जा में से भारत में जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है
सौर शक्ति जैव ईंधन के संबंध में निम्न में कौन कथन सत्य है? जैव ईंधन पारिस्थितिकी अनुकूल होता है। जैव ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान दे सकता है। जैव ईंधन मक्का से भी बनता है। बायोडीजल की फसल का नाम है जेट्रोफा। एथेनॉल एक प्रसिद्ध एल्कोहल है इसे एथिल एल्कोहल भी कहते हैं। इसका प्रयोग हरित ईंधन के रूप में किया जाता है। पाइन करंज फर्न से भी किण्वीकरण या फर्मेंटेशन कर एथेनॉल प्राप्त किया जाता है। इसे शामिल करते हैं हरित ईंधन स्रोत में। जिसकी खेती एथेनॉल के लिए की जाती है वह है मक्का। जेट्रोफा, पौंगामिया और सूरजमुखी की खेती की जा सकती है बायोडीजल के लिए। नाभिकीय शक्ति परियोजनाओं के अंतर्गत पर्यावरणीय प्रभाव जिनका अध्ययन किया जाना तथा हल निकाला जाना है वे हैं वायु, मृदा एवं जल का रेडियोधर्मी प्रदूषण, वन आरोपण तथा पेड़ पौधों एवं जंतु समूह की क्षति, रेडियोधर्मी अपशिष्ट का निस्तारण, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस को प्रारंभ किया गया था 2015 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में। कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच स्थित 121 देशों का एक समूह है जो अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए सूर्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करने हेतु प्रतिबद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर एलायंस ISA फरीदाबाद हरियाणा में है। ISA का सचिवालय ऊष्मा रासायनिक परिवर्तन द्वारा ठोस बायोमास का दहन योग्य गैस मिश्रण में रूपांतरण ही है बायोमास गैसीकरण। जीव भार गैसीकरण को भारत में ऊर्जा संकट के धारणीय सस्टेनेबल हलों में एक समझा जाता है। इस संदर्भ में कथन सही है नारियल आवरण, मूंगफली का छिलका और धान की भूसी का उपयोग जीव भार गैसीकरण के लिए किया जा सकता है। नारियल आवरण, मूंगफली के छिलके तथा धान की भूसी द्वारा उत्पन्न गैस का उपयोग बिजली पैदा करने वाले जनरेटर से जुड़े उपयुक्त रूप से डिजाइन किए गए अंतर्दहन इंजन में किया जा सकता है डीजल की जगह। बायोमास में यह प्रत्यक्ष रूप से पाई जाती है सौर ऊर्जा। फ्यूल सेल्स जिसमें हाइड्रोजन से समृद्ध ईंधन और ऑक्सीजन का उपयोग विद्युत पैदा करने के लिए होता है से संबंधित है सही कथन। यदि शुद्ध हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में होता है तो फ्यूल सेल उत्पाद बाई प्रोडक्ट के रूप में ऊष्मा एवं जल का उत्सर्जन करता है। फ्यूल सेल में एक रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से उत्पादन होता है न कि दहन कंबसन के माध्यम से विद्युत का। फ्यूल सेल से विद्युत उत्पादित होती है दिष्ट धारा DC के रूप में। कथन ए, कोयला आधारित तापीय बिजली घर अम्ल वर्षा में अंशदायी होते हैं। कथन आर, कोयले के जलने पर कार्बन की ऑक्साइडें उत्सर्जित होती हैं। ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सल्फर डाई ऑक्साइड के लिए उत्तरदायी है कोयले में सल्फर की उपस्थिति। सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाएं माइक्रोबियल फ्यूल सेल ऊर्जा का धारणीय सस्टेनेबल स्रोत समझी जाती हैं क्योंकि ये जीवित जीवों को उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त कर कुछ सबस्ट्रेटों से विद्युतीय उत्पादन कर सकती हैं। ये विविध प्रकार के अजैव पदार्थ सबस्ट्रेट के रूप में प्रयुक्त करती हैं। ये जल का शोधन और विद्युत उत्पादन के लिए अपशिष्ट जल शोधन संयंत्रों में स्थापित की जा सकती हैं। जैव परिवर्तनीय सबस्ट्रेट में उपलब्ध रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देती हैं। सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाएँ MFC भारत में संप्रति उपलब्ध औद्योगिक स्तर को देखते हुए सौर ऊर्जा का सुविधा से उपयोग किया जा सकता है।
आवासीय भवनों को गर्म पानी की पूर्ति करने के लिए, लघु सिंचाई परियोजनाओं हेतु जल की पूर्ति करने के लिए, सड़क प्रकाश व्यवस्था के लिए। भारत में जैविक डीजल के उत्पादन के लिए जेट्रोफा कारकास के अलावा पौंगामिया पिनाटा को भी क्यों एक उत्तम विकल्प माना जाता है? क्योंकि भारत के अधिकांश शुष्क क्षेत्रों में पौंगामिया पिनाटा प्राकृतिक रूप से उगता है। पौंगामिया पिनाटा के बीजों में लिपिड अंश बहुतायत में होता है, जिसमें से लगभग आधा ओलेइक अम्ल होता है। भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं। गंगा डेल्टा में पृथ्वी की भूपरपटी में पाए जाने वाले उष्ण जल से प्राप्त होने वाली वह ऊर्जा जिसका उपयोग मानव अपने विभिन्न कार्यों के लिए करता है कहलाती है भूतापीय ऊर्जा। भारत में भूतापीय ऊर्जा के प्रमुख क्षेत्र हैं हिमालय, खंभात बेसिन, सोनाटा SONATA, सोन, नर्मदा, तापी, पश्चिमी घाट, गोदावरी बेसिन और महानदी बेसिन। सही सुमेलित है। खनिज समाप्त होने योग्य, सौर ऊर्जा असमाप्त होने योग्य, बायोगैस, मेथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड, वन आरोपण, वर्षा, जैव मूल एस्फाल्ट, बायो एस्फाल्ट पर मूल सीमा शुल्क की पूरी छूट प्रदान की गई है। इस पदार्थ का महत्व है पारंपरिक एस्फाल्ट के विपरीत। बायो एस्फाल्ट जीवाश्म ईंधनों पर आधारित नहीं होता। बायो एस्फाल्ट जैव अपशिष्ट पदार्थों से निर्मित हो सकता है। बायो एस्फाल्ट से सड़कों की ऊपरी सतह बिछाना पारिस्थितिकी के अनुकूल है। बायो एस्फाल्ट डामर का विकल्प है, जिसका निर्माण नवीकरणीय स्रोतों से किया जाता है, गैर पेट्रोलियम आधारित। अब प्रदूषण से संबंधित प्रश्न देखिए। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार 5 माइक्रोन से कम होता है। जलवायु एवं स्वच्छ वायु गठबंधन क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलेशन CCAC विभिन्न देशों, नागरिक समाजों, सिविल सोसाइटीज, वाणिज्यिक क्षेत्रों का एक वैश्विक प्रयास है जो अल्पजीवी जलवायु प्रदूषकों को कम से कम कर प्रतिबद्ध है। वायु की गुणवत्ता को बेहतर बनाने हेतु सही सुमेलित है उपयुक्त पदार्थ अवांछनीय तथा विवादास्पद रसायन लिपस्टिक सीसा, उनमें पाए जाने वाले पदार्थ लिपस्टिक में सीसा पाया जाता है। शीतल पेय ब्रोमिनित वनस्पति तेल में, चाइनीज फास्ट फूड में मोनोसोडियम ग्लूटामेट पाया जाता है। यह प्रकृति में घटित होने वाली जैव निम्नीकरण प्रक्रिया का ही संवर्धन कर प्रदूषण को स्वच्छ करने की तकनीक है। जैवोपचार बायो रीमेडिएशन, जैवोपचार के लिए विशेषतः अभिकल्पित सूक्ष्म जीवों को सृजित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है आनुवंशिक इंजीनियरिंग का। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं एंथ्रोपोजेनिक, वे पदार्थ जिनसे प्रदूषण फैलता है कहे जाते हैं जैव निम्नीकरणीय प्रहित प्रदूषक, मुख्यतया पर्यावरण में प्रवेश करते हैं मानव जनित एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण के कारण। जैव विघटित प्रदूषक है वाहित मल, ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु द्वारा आदि समय के साथ प्रकृति में सरल हानि रहित तत्वों में विघटित कर दिए जाते हैं जैव विघटित प्रदूषक कहलाते हैं। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है वायु प्रदूषण का। जब मानवीय या प्राकृतिक कारणों से वायुमंडल में उपस्थित गैसों के निश्चित अनुपात में विषाक्त गैसों या कणकीय पदार्थों की वजह से अवांछनीय परिवर्तन हो जाता है तो इसे कहते हैं वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण के 2 स्रोत हैं, प्राकृतिक स्रोत, दूसरा मानव जनित स्रोत। वनाग्नि तथा ज्वालामुखी उद्गार जैविक पदार्थों के सड़ने गलने से निकलने वाली गैसें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, नाइट्रोजन के ऑक्साइड इत्यादि आते हैं प्राकृतिक स्रोत में।
जैव अपघटनीय प्रदूषक हैं। सीवेज प्रकाश रासायनी धूम कोहरे के बनने के समय उत्पन्न होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा स्मॉग शब्द बना है। स्मोक और फॉग के मिलने से जहां पर अधिक यातायात रहता है वहां पर भी गर्म परिस्थितियों तथा तेज सूर्य विकिरण से निर्माण होता है। प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे का नाइट्रोजन की ऑक्साइड NOx ओजोन तथा पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट से बनता है। प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा सूर्य विकिरण वाले क्षेत्रों में या खास मौसम में धूम्र कोहरा पूर्ण रूप से बनता है। ऐसी वायु को भूरी वायु कहते हैं। प्रकाश रासायनिक धूप का बनना किनके बीच अभिक्रिया का परिणाम होता है। NO2, O3 तथा पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट के बीच सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में गर्म शुष्क और तीव्र सौर विकिरण वाले महानगरों में वायुमंडलीय हाइड्रोकार्बन और वाहनों व बिजली संयंत्रों से निकलने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया करके कई सारे द्वितीयक प्रदूषक बनाती हैं, जैसे ओजोन, फॉर्मेल्डिहाइड और पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट PAN आदि। इन अभिक्रियाओं को प्रकाश रासायनिक कहते हैं क्योंकि इनमें दोनों शामिल होते हैं। सूर्य का प्रकाश और रासायनिक प्रदूषक ऑक्सीजन व नाइट्रोजन के मिलने से नाइट्रिक ऑक्साइड NO बनती है तथा यह गैस वायु से मिलकर नाइट्रोजन ऑक्साइड का निर्माण करती है। NO2 है भूरे रंग की तीखी गैस। नवजात ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन सूर्य के तीव्र की प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन के एक अणु से क्रिया करके बना लेती है। ओजोन पराक्सिल मूलक या तो ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर ओजोन बना लेते हैं अथवा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से मिलकर निर्माण करते हैं। पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट का यह क्लोरोप्लास्ट को नुकसान पहुंचाता है। इस वजह से प्रकाश संश्लेषण की क्षमता एवं पौधे का विकास कम हो पाता है। यह कोशिका से माइटोकांड्रिया में होने वाले इलेक्ट्रॉन यातायात प्रणाली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ETC को बाधित करता है। यह एंजाइम प्रणाली को भी प्रभावित करता है। PAN मनुष्य की आँखों में बहुत ज़्यादा जलन या उत्तेजना पैदा करता है। PAN तथा O3 मिलकर छोटी छोटी बूंदें बना लेते हैं। वायु में मिलकर PAN तथा O3 धुंध बना लेती हैं। अधिक धूम्र कोहरे स्मॉग के निर्माण से घट जाती हैं दृश्यता। भारी ट्रक यातायात निर्वाचन सभाएं पाप संगीत तथा जेट उड़ान में से अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है। जेट उड़ान किसी वस्तु से उत्पन्न सामान्य आवाज़ को कहते हैं। ध्वनि ध्वनि की इकाई होती है डेसीबल। अनियोजित औद्योगिक विकास अत्यधिक मोटर वाहनों का प्रयोग तथा यांत्रिक दोषयुक्त विभिन्न प्रकार के वाहनों का परिचालन योगदान देते हैं ध्वनि प्रदूषण करने में। ध्वनि की गति से तेज चलने वाले जेट विमानों से उत्पन्न शोर को कहते हैं सोनिक बूम। सोनिक बूम को व्यक्त किया जाता है माइक इकाई में। जो वस्तुएं ध्वनि की रफ्तार से चलती हैं उनसे उत्पन्न शोर को कहते हैं माइक फर्स्ट। सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि रंगहीन कलरलेस अति विषैली होती है एक प्रमुख प्राथमिक वायु प्रदूषक है। कार्बन मोनोऑक्साइड में कम समय के लिए रहती है। कार्बन मोनोऑक्साइड वायुमंडल में कम समय के लिए रहती है तथा इसका ऑक्सीकरण हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में। एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है सल्फर डाइऑक्साइड।
वायु प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं। ऐसे वायु प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं जाने जाते हैं द्वितीयक वायु प्रदूषक। PAN पराक्सी स्टील नाइट्रेट ओजोन तथा स्मॉग द्वितीयक प्रदूषक होते हैं। सल्फर के ऑक्साइड मुख्यतः सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन के ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड हैं प्राथमिक प्रदूषक। अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। यह रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके अस्थायी यौगिक बना लेता है जिसे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ऊतकों तक नहीं पहुंचा पाता है। यह मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक गैस है। उसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। मोहन, वाहनों से निकलने वाली निम्न में कौन सी एक मुख्य वायु प्रदूषक गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड? वाहनों में पेट्रोल के जलने से धातु वायु को प्रदूषित करती है। लेड, इंजन में नॉकिंग रोकने के लिए प्रयुक्त किया जाता है लेड को। बच्चों में दिमाग के विकास में बाधा पहुंचाता है, उनके बुद्धि लब्धि लेवल IQ को घटाता है। वयस्कों में हृदय व श्वसन संबंधी बीमारियों को उत्पन्न करता है लेड। लेड मीन सीसा। PB सूत्र होता है वायु प्रदूषकों में से जो रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषक। ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। यह गैस हीमोग्लोबिन अणुओं से ऑक्सीजन की तुलना में 240 गुना से 300 गुना अधिक तेजी से संयुक्त हो जाती है जिस कारण वायु में पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर भी सांस लेने में कठिनाई होती है और घुटन महसूस होने लगती है कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। ओजोन हाइड्रोजन सल्फाइड कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड में से जो वायु प्रदूषक सर्वाधिक हानिकारक है वह है कार्बन मोनोऑक्साइड। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं आर्सेनिक। भारत में कई जगहों पर भूमिगत जल आर्सेनिक से संक्रमित होते हैं। यह संक्रमण मुख्यतया प्रकृति में पाए जाने वाले उत्पन्न आर्सेनिक से होता है जो उत्पन्न होता है बेडरॉक से। आर्सेनिक के लगातार संपर्क से बीमारी हो जाती है ब्लैकफुट। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मानक के अनुसार आर्सेनिक की मात्रा होनी चाहिए 0.05 मिलीग्राम प्रति लीटर। धान का पौधा बेहतर अवशोषक माना जाता है आर्सेनिक का। भूजल के जरिए आर्सेनिक अनाज में पहुंच रहा है इससे प्रभावित हो रही है समूची खाद्य श्रृंखला। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से मृदा प्रदूषण भी होता है, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण होता है। यह प्रदूषण विभिन्न प्रकार के फसलों के माध्यम से मानव एवं पशुओं के आहार श्रृंखला में भी पहुंचता है। विभिन्न प्रकार की गंभीर बीमारियों से मनुष्य एवं पशुओं को ग्रस्त करता है। उर्वरक अकार्बनिक पोषक जैसे फास्फेट तथा नाइट्रेट घुलकर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में आ जाते हैं। यह जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में बढ़ाते हैं यूट्रोफिकेशन को। अकार्बनिक उर्वरक कीटनाशक अवशेष मृदा के रासायनिक गुणों को बदल देते हैं, विपरीत प्रभाव डालते हैं भूमि के जीवों पर। औद्योगिक मलबे में से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है चमड़ा उद्योग से। जल प्रदूषण तथा मृदा प्रदूषण के लिए प्रमुख रूप से यही उद्योग उत्तरदायी है चमड़ा उद्योग। अम्ल वर्षा निम्नांकित द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। सामान्यतया ऐसी वर्षा जिसका pH मान 5-6 से कम हो कहलाती है अम्ल वर्षा। वातावरणीय प्रदूषण औद्योगिक निःसृतों एवं प्रकृति में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के
फलस्वरूप उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड गैसें वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन और बादल के जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर क्रमशः सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनाकर वर्षा के साथ पृथ्वी पर गिरती हैं। इससे पृथ्वी पर अम्ल का जमाव हो जाता है। अम्लीयता का लगभग आधा हिस्सा वायुमंडल से पृथ्वी पर स्थानांतरित होकर जमा होता है शुष्क रूप में। मरुस्थलीय क्षेत्र में शुष्क से आर्द्र निक्षेप का अनुपात उच्च रहता है क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा होता है शुष्क जमाव। अम्लीय वर्षा, अम्लीय कोहरे और अम्लीय धुंध को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? अम्ल निक्षेप। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसें हैं नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। उद्योगों एवं यातायात के उपकरणों से निःसृत नाइट्रस ऑक्साइड N2O तथा सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जैसी गैसें वायुमंडल में स्थित जलवाष्प से प्रतिक्रिया करके सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं और ओस तथा वर्षा की बूंदों के रूप में पृथ्वी पर गिरने लगती हैं। यही कहलाती है अम्ल वर्षा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सल्फर के उत्सर्जन में कमी का प्रयास किया जा रहा है। हेलसिंकी प्रोटोकॉल 1985 के तहत मथुरा की तेल शोधन शालाओं में उत्सर्जित SO2 उत्पन्न अम्ल वर्षा क्षति पहुंचा रही है ताजमहल के सौंदर्य को। ताजमहल पर अम्ल वर्षा से जनित हानिकारक प्रभाव को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित किया गया है ताज ट्रेपेजियम जोन। SO2 को क्रैकिंग गैस भी कहते हैं क्योंकि यदि लगातार यह पत्थर पर प्रवाहित की जाए तो पत्थर हो जाता है छत बिछत। अधिक अम्लता के कारण अम्ल वर्षा के हाइड्रोजन आयन एवं मृदा के पोषक धनायन यथा पोटेशियम आयन एवं मैग्नीशियम आयन के बीच आदान प्रदान होता है। इसके फलस्वरूप पोषक तत्वों का निचालन लीचिंग हो जाता है एवं समाप्त हो जाती है मृदा की उर्वरता। अम्ल वर्षा में वे प्रदूषक जो वर्षा जल एवं हिम को प्रदूषित करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड कहते हैं। अम्ल वर्षा होती है बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप। शंकुधारी वृक्षों के घने कैनोपी में पत्तियों के भूरे रंग के लिए उत्तरदायी होता है अम्ल वर्षा का निक्षेप। अम्ल वर्षा से कम हो जाता है मृदा के pH का मान। अम्ल वर्षा जहरीली धातुओं के उनके प्राकृतिक रासायनिक यौगिकों से टूटने में मदद करती है। ये धातु पीने योग्य जल एवं मृदा में प्रवेश कर दुष्प्रभाव डालते हैं। बच्चों के तंत्रिका तंत्र पर वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय अम्ल वर्षा हो जाता है सल्फर ऑक्साइड के कारण। एक वायु प्रदूषक गैस है जो और जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है सल्फर डाइऑक्साइड। वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है यूट्रोफिकेशन। जल में जब जैविक तथा अजैविक दोनों प्रकार के पोषक तत्वों की वृद्धि हो जाती है तो इस घटना को सुपोषण कहते हैं या यूट्रोफिकेशन कहते हैं। अत्यधिक पोषकों की उपस्थिति में शैवालों का विकास तेजी से होने लगता है इसे क्या कहते हैं? एल्गल ब्लूम कहते हैं। एस्बेस्टस फाइबर से घिरे वातावरण में ज़्यादा देर रहने से हो जाता है एस्बेस्टोसिस। अत्यधिक पोषकों की उपस्थिति में शैवालों का विकास तेजी से होने लगता है इसे कहते हैं शैवाल ब्लूम। एस्बेस्टस फाइबर से घिरे वातावरण में ज़्यादा देर रहने से होता है एस्बेस्टोसिस। फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो जलाने से प्राप्त होता है कोल पत्थर के कोयले को। कोल के दहन से उत्पन्न प्रदूषक है फ्लाई ऐश।
कोयला आधारित ताप विद्युत घरों से उत्पन्न होने वाले इस सूक्ष्म पाउडर से जीवों में श्वसन संबंधी रोग हो जाते हैं, जिसे वायु में मिलने से रोकने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपक या अन्य कण निश्चन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। फ्लाई ऐश ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। विशालकाय हरे पौधे अधिक ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्रों में रोपित किए जाते हैं, क्योंकि उनमें ध्वनि तरंगों को अवशोषित करने की क्षमता होती है। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले ये हरे पौधे ग्रीन मफलर कहलाते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है, भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोनेट मिग रिसाव की घटना हुई थी 3 दिसंबर 1984 को। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से जो गैस रिस गई थी वह थी मिथाइल आइसोनेट। भोपाल गैस त्रासदी में जिस गैस के रिसने पर बड़े पैमाने पर मृत्यु हुई थी उसका नाम है MIC मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे बनी होती हैं पॉलीमर से। मूलतः कार्बन एवं हाइड्रोजन के अणुओं के मिलने से बनता है यह एथिलीन C2H4 का पॉलीमर बहुलक होता है पॉलीथीन। इसकी खोज 1953 में इटली के रसायन शास्त्री गिलियो नत्ता और कार्ल जिगलर जर्मनी ने की। इन्होंने सर्वप्रथम देखा कि कार्बन एवं हाइड्रोजन के कण आपस में एक श्रृंखला बनाते हैं तथा एकल बंध एवं द्विबंध के रूप में स्थापित हो जाते हैं। इस खोज के लिए गिलियो नत्ता एवं कार्ल जिगलर को 1963 ईस्वी में रसायन का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ पॉलीथीन की। वस्तु जो जीवाणुओं से नष्ट नहीं होती प्लास्टिक कहते हैं। जैव निम्नीकरणीय है रबर, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं। जैव निम्नीकरणीय सिगरेट का टुकड़ा, चमड़े का जूता, फोटो फिल्म, प्लास्टिक का थैला में से जिसके क्षय होने से सबसे अधिक समय लगता है तो वो प्लास्टिक का थैला होता है। वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है लाइकेन। बहुत इम्पॉर्टेंट है, शैवाल तथा कवक के द्वारा लाइकेन का निर्माण होता है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वायु प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव लाइकेन पर पड़ता है, क्योंकि ये होते हैं बड़े संवेदनशील प्रदूषक संकेतक पौधा है। लाइकेन लाइकेन्स सबसे अच्छे सूचक हैं वायु प्रदूषण के। बहुत इम्पॉर्टेंट है भैया, जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता BOD एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है। जलीय वातावरण में BOD का अधिक होना दर्शाता है जल के संक्रमित होने को। बहुत इम्पॉर्टेंट है, BOD अगर बढ़ जाए तो मतलब जल का संक्रमण अधिक हो जाता है। कार्बनिक अपशिष्ट जैसे सीवेज की मात्रा बढ़ने से अपघटन की दर बढ़ जाती है तथा ऑक्सीजन का उपयोग भी इसी के साथ साथ बढ़ जाता है। इसके फलस्वरूप मात्रा घट जाती है घुली ऑक्सीजन की। कुछ ही सहनशील प्रजातियों के जीव तथा कुछ कीटों के डिंब ही बहुत अधिक प्रदूषित तथा कम DO वाले जल में जीवित रह सकते हैं, जैसे एनेलिड। जिस जलाशय के DO का मान 8.0 मिलीग्राम लीटर इनवर्स से नीचे हो जाता है उसे रखा जाता है संक्रमित जल की श्रेणी में। किसी जल में BOD की अधिकता संकेत देती है कि उसका जल सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है ऑक्सीजन की। गंगा नदी में BOD सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है कानपुर एवं इलाहाबाद के मध्य। जैव उपचारण बायोरिमेडिएशन से तात्पर्य है जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन। इसके द्वारा किसी विशेष
स्थान पर पर्यावरणीय प्रदूषकों के हानिकारक प्रभाव को समाप्त किया जा सकता है। यह जैव रासायनिक चक्र के माध्यम से कार्य करता है। जैव उपचारण, जैवोपचार यदि प्रदूषण प्रभावित क्षेत्र में किया जाता है तो इसे कहा जाता है स्वस्थानीय जैवोपचार। यदि प्रदूषित पदार्थ को किसी अन्य जगह पर ले जाकर इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है तो इसे कहते हैं बाह्य स्थानीय एक्स सीटू बायोरिमेडिएटर। प्रदूषकों को जड़ों व पत्तियों में संग्रहित कर जैवोपचार की क्रिया करना कहलाता है फाइटोनिष्कर्षण या फाइटोएक्सट्रैक्शन। जल प्रदूषक नहीं है सल्फर डाइऑक्साइड आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में होता है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, भारत के गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाकों तथा बांग्लादेश के पद्मा मेघना के मैदानी इलाकों में भूमिगत जल अत्यधिक प्रदूषित है आर्सेनिक प्रदूषण से। भारत के 7 राज्यों पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर तथा छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में भूमिगत जल अत्यधिक प्रभावित है आर्सेनिक प्रदूषण से। भूजल में आर्सेनिक की अनुमेय सीमा है 10 माइक्रोग्राम प्रति लीटर तक। चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है नाभिकीय दुर्घटना से। रूस में चेरनोबिल स्थित परमाणु केंद्र में नाभिकीय दुर्घटना हुई थी 26 अप्रैल 1986 को। विघटित होते रेडियोएक्टिव न्यूक्लाइड से उत्पन्न होने वाला विकिरण स्रोत रेडियोएक्टिव प्रदूषण होता है। विकिरणों के प्रभाव से जीवों के आनुवंशिक गुणों पर भी पड़ता है हानिकारक प्रभाव। जैवीय रूप से अपघटित होता है मल। स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अविशाल धातु प्रदूषक है लेड। स्वचालित वाहनों में एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है लेड सीसा का। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, पाचन तंत्र इत्यादि प्रभावित होते हैं लेड के कारण। पेयजल में कैडमियम की अधिकता से हो जाता है इटाई रोग। मरकरी युक्त जल पीने से हो जाता है मिनीमाटा रोग। वर्ष 1987 से इस अधिनियम में ध्वनि प्रदूषण को भी शामिल कर लिया गया है। वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर अंकलेश्वर है। जनवरी माह में उत्पन्न मौसमी कारक था जो उत्तर भारत में असाधारण ठंड का कारण बना ला नीना। अपने प्रदूषकों के कारण जैविक मरुस्थल कहलाती है दामोदर। सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में सामान्यतः निम्नलिखित में से किसे प्रयोग में लाया जाता है अर्जीमोन के बीज। अर्जीमोन मेक्सिकाना मैक्सिको में पाई जाने वाली पोस्ते की एक प्रजाति है। सरसों के तेल में इसकी मिलावट से महामारी फैल सकती है ड्रॉपसी नामक। प्रदूषण मुक्त वायुमंडल को स्वच्छ किया जाता है वर्षा द्वारा। भारत के समुद्री जल में हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन में हो रही वृद्धि पर चिंता व्यक्त की गई है। इस समृद्धि के क्या कारक तत्व हो सकता है। ज्वार नदमुख से पोषकों का प्रसव, मानसून में भूमि से जलवाह, समुद्रों में उत्प्रवाह, एशियाई भूरा बादल अधिकांशतः फैला था दक्षिण एशिया में, एशियाई ब्राउन क्लाउड या एशियाई भूरा बादल उत्पन्न होता है वायु प्रदूषण के कारण। कथन जाड़े की ऋतु में दिल्ली में वायु प्रदूषण उच्च स्तर का रहता है। कारण मोटर गाड़ियों में दहन प्रक्रिया जाड़े में बढ़ जाती है। ये सही है परंतु आर गलत है। एक रंगहीन गंधहीन रेडियो एक्टिव वक्री गैस है रेडान। फेफड़े का कैंसर तथा रक्त कैंसर होने की संभावना रेडान गैस से होती है। घरेलू गतिविधियों के कारण उत्पन्न होने वाले वायु प्रदूषण को कहा जाता है घरेलू वायु प्रदूषण।
WHO के अनुसार प्रतिवर्ष लाखों की मृत्यु होती है घरेलू वायु प्रदूषण के कारण। सिगरेट के धुएं में मुख्य वायु प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन। शरीर में श्वास अथवा खाने से पहुंचा शीशा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पेट्रोल में शीशे का प्रयोग प्रतिबंधित होने के बाद से अब तक शीशे की विषाक्तता उत्पन्न करने वाले स्रोत हैं प्रगलन इकाइयां, पेंट। घरों में पुताई के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पेंट में असुरक्षित स्तर तक हो सकती है शीशे की मात्रा। मनुष्य के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क को नुकसान पहुंच सकता है शीशे की अधिक मात्रा से। सही सुमेलित है वायु प्रदूषक एक तरफ प्रभावित अंग एस्बेस्टस धूल से फेफड़ा प्रभावित होता है, शीशा से मस्तिष्क प्रभावित होता है, पारा से उदर प्रभावित होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड से रक्त धाराएं प्रभावित होती हैं। एस्बेस्टस जहरीला पदार्थ है, इसकी धूल से हो सकता है फेफड़े का कैंसर। पारे की विषाक्तता से उत्पन्न होती है उदर संबंधी समस्याएं। सही सुमेलन है प्रदूषक और प्रभाव, तो कार्बन मोनोऑक्साइड से लीवर और किडनी नुकसान होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड से कैंसर होता है, धूल कण श्वास संबंधी रोग हो जाता है, शीशा से केंद्रीय नर्वस सिस्टम प्रभावित हो जाता है, रक्त में घुलकर कोशिकीय श्वसन को बाधित करती है तथा यह हृदय को क्षति पहुंचाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड मानव शरीर में कैंसर उत्पन्न करते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड। भारत में इस्पात उद्योग द्वारा मुक्त किए जाने वाले महत्वपूर्ण प्रदूषकों में चारों शामिल हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन की सीमित आपूर्ति में कार्बन के ऑक्सीकरण से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है वात्याभट्टी ब्लास्ट फर्नेस में। अम्ल वर्षा से वे देश जो सर्वाधिक प्रभावित होते हैं कनाडा, नॉर्वे, जर्मनी तथा यूनाइटेड किंगडम में स्थित मिलों से उत्सर्जित SO2 तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण में अधिक अम्ल वर्षा होती है नॉर्वे तथा स्वीडन में। अम्ल वर्षा को कहा जाता है झील कातिल या लेक किलर। चीन, जापान, नॉर्वे तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में से जिस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है नॉर्वे कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है मैनचेस्टर में। उत्सर्जन ऊष्मीय शक्ति संयंत्रों में कोयला दहन से उत्सर्जित होता है कार्बन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड। तो ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग करने वाले शक्ति संयंत्रों से प्राप्त फ्लाई ऐश के संदर्भ में सही कथन है कि फ्लाई ऐश का उपयोग भवन निर्माण के लिए ईंटों के उत्पादन में किया जाता है। फ्लाई ऐश का उपयोग कंक्रीट के कुछ पोर्टलैंड सीमेंट अंश के स्थापन रिप्लेसमेंट के रूप में किया जा सकता है। कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों से विद्युत उत्पादन के फलस्वरूप उप उत्पाद बाई प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है फ्लाई ऐश। सूक्ष्म पाउडर होता है जो वायु के साथ दूर तक यात्रा करता है। इसमें सीसा, आर्सेनिक, कापर जैसी जहरीली भारी धातुओं के कण भी होते हैं। फ्लाई ऐश में अनाजों और तिलहनों के अनुपयुक्त रखरखाव और भंडारण के परिणाम स्वरूप आबिसों का उत्पादन होता है एफ्लाटॉक्सिन के नाम से जाना जाता है जो सामान्यतः भोजन बनाने की आम विधि द्वारा नष्ट नहीं होते जिनके द्वारा उत्पादित होते हैं वह है फफूंदी। मुख्यतया इस पर जिलस फ्लेवेस के द्वारा उत्पन्न होता है एफ्लाटॉक्सिन। एफ्लाटॉक्सिन में एक कैंसरजनक पदार्थ कार्सिनोजन होता है जो उत्पन्न करता है लीवर कैंसर। वायु प्रदूषण की रोकथाम की एक यंत्रीय विधि नहीं है साइक्लोन डिवाइडर। कारखानों की चिमनियों से निश्चित धुएं तथा कालिख के साथ मिश्रित
कणकीय पदार्थों को अलग करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले विशिष्ट फिल्टर को बैग फिल्टर कहते हैं। माइक्रोमीटर से कम व्यास वाले कणकीय पदार्थों को पृथक करने के लिए प्रयोग किया जाता है बैग फिल्टर का। रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित सही कथन है, यह पशुओं में आनुवंशिक परिवर्तन लाता है, यह रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है, यह कैंसर पैदा करता है, यह तेलीय पंग तथा बिखरे हुए तेल के उपचार हेतु पारिस्थितिकी के अनुकूल विकसित प्रौद्योगिकी है। आयल जयपर एक बैक्टीरिया संकाय है, यह 5 बैक्टीरिया को मिलाकर विकसित किया गया है। इसमें उपस्थित बैक्टीरिया तेल में मौजूद हाइड्रोकार्बन यौगिकों को अपना भोजन बनाते हैं तथा उनको परिवर्तित कर देते हैं। हानि रहित कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है लंदन में। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष एजेंसी है जिस पर अंतर्राष्ट्रीय नौवहन के सुरक्षा सुधार संबंधी उपाय करने और पोतों से होने वाले समुद्री प्रदूषण की रोकथाम की जिम्मेदारी है। यह संस्था उत्तरदायित्व और मुआवजा से संबंधित वैधानिक मामलों को देखने के अलावा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यातायात को सुविधाजनक बनाने का कार्य करती है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO जैव शौचालय प्रणाली में अपशिष्ट पदार्थों को विखंडित कर उसे पानी और गैस मीथेन में परिवर्तित कर देता है। अवायवीय बैक्टीरिया जैव शौचालय प्रणाली में पानी को टैंक में जमा कर उसे क्लोरीन की मदद से साफ कर दिया जाता है जबकि गैस हो जाती है वाष्पीकृत। भारत के कुछ भागों में पीने के जल में प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं आर्सेनिक फ्लोराइड यूरेनियम। नाक निसंलक्षण उत्पन्न होता है फ्लोराइड के प्रदूषण द्वारा, यद्यपि पानी में अल्प मात्रा में उपलब्ध होता है जो मसूड़ों और दांतों को संरक्षण प्रदान करता है, परंतु इसका अत्यधिक सांद्रण फ्लोरोसिस नामक रोग का कारण बनता है। अत्यधिक फ्लोराइड को ग्रहण इंटेक करने के परिणाम स्वरूप संभावना बढ़ जाती है कुबड़ पीठ होने की। पैरों के मुड़ने का कारण होता है जिसे नाक निसंलक्षण कहते हैं। उच्च फ्लोराइड संग्रहण कैल्शियम पादप प्लवक की वृद्धि और उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। प्रवाल भित्ति की वृद्धि और उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। कुछ प्राणी जिनके डिंभक पादप प्लवकीय होते हैं कि उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। महासागरों के अम्लीकरण के कारण कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एक भंडार गृह की तरह कार्य करता है समुद्र। यूरो उत्सर्जन नियम उत्सर्जन के मानक हैं और ये एक वाहन से उत्सर्जन के लिए सीमा निर्धारित करने के पैकेज प्रदर्शित करते हैं। इसके अंतर्गत आच्छादित हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड। यूरोपीय देशों में 1992 में यूरो मानक फर्स्ट तथा वर्ष 1997 में लागू कर दिया यूरो मानक सेकंड। वाहनों से निकलने वाले प्रदूषकों को नियंत्रित करने के लिए चरणबद्ध रूप से यूरो मानक को भारत में क्रियान्वित करने की संस्तुति की थी मासेलकर समिति में। स्वच्छ परिवहन एवं अंतर्राष्ट्रीय परिषद ने भारत को इस बात की छूट दी है कि वह 2020 में यूरो 5 के बदले अपना सकता है सीधे यूरो 6 को। BS4 मानक भारत में लागू कर दिया गया है 1 अप्रैल 2017 से। यूरो सेकंड मानकों को पूरा करने के लिए अति अल्प सल्फर डीजल में सल्फर की मात्रा होनी चाहिए 0.05% या इससे कम। यूरो नॉर्म स्वचालित वाहनों में एक गैस उत्सर्जन की मात्रा की सीमा
निश्चित करते हैं। यह गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। हमारे देश के शहरों में वायु प्रदूषण गुणता सूचकांक एयर क्वालिटी इंडेक्स का परिकलन करने में साधारणतया वायुमंडलीय गैसों में विचार में लिया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड भारत में 8 मुख्य प्रदूषकों के आधार पर बनाया जाता है वायु गुणता सूचकांक एयर क्वालिटी इंडेक्स। शहरों में बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक एयर क्वालिटी इंडेक्स NAQ फर्स्ट जारी किया गया था 17 अक्टूबर 2014 को। यह सूचकांक शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण का स्तर बताने के लिए एक संख्या एक रंग विवरण के रूप में कार्य करता है। उल्लेखनीय है, इस पहल को आरंभ किया गया स्वच्छ भारत अभियान के तहत। वाहनों में उत्सर्जित कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड CO2 परिवर्तित करने वाली उत्प्रेरक परिवर्तन की सिरेमिक डिस्क स्तरित होती है पैलेडियम से। कथन कह रहा है कि मृदा प्रदूषण औद्योगिक प्रदूषण की क्षमता अधिक खतरनाक होती है। आर कह रहा है, उर्वरक कीटनाशक भोजन की श्रृंखला में प्रवेश करते हैं तथा ए तथा आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है, उर्वरक पीड़क नाशी कीटनाशी और शाकनाशी मृदा के प्राकृतिक भौतिक रासायनिक और जैविक गुणों को नष्ट करके मृदा को बेकार कर देते हैं। रासायनिक उर्वरक नष्ट कर देते हैं मृदा के सूक्ष्म जीवों को। भारत के जिस महानगर में वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है दिल्ली, घरेलू उत्पादों जैसे गद्दों और फर्नीचर की गद्दियों अपहोल्स्टरी में ब्रोमीन युक्त ज्वाला मंदकों का उपयोग किया जाता है। उनका उपयोग कुछ चिंता का विषय है क्योंकि उनमें पर्यावरण में निम्नीकरण के प्रति उच्च प्रतिरोधकता है। वे मनुष्यों और पशुओं में संचित हो सकते हैं। रासायनिक जैविक तथा फोटोलिटिक प्रक्रियाओं द्वारा पर्यावरण में निम्नीकरण के प्रति प्रतिरोधी कार्बनिक यौगिकों को कहते हैं पॉप्स, POPS, पर्स इज टेंट, ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट अर्थात परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट अर्थात चिर अस्थायी कार्बनिक प्रदूषक, अस्थायी जैव प्रदूषकों पर स्टॉकहोम अभिशमन द्वारा कुछ चिर अस्थायी कार्बनिक प्रदूषकों को इस सूची में शामिल किया गया है। ब्रोमीन युक्त ज्वाला मंदकों को विभिन्न उत्पादों के विनिर्माण में उद्योगों द्वारा प्रयुक्त होने वाले रासायनिक तत्वों के नैनो कणों में कुछ चिंता है क्योंकि ये पर्यावरण में संचित हो सकते हैं तथा जल और मृदा को संदूषित कर सकते हैं। वे खाद्य श्रृंखलाओं में प्रविष्ट हो सकते हैं। वे मुक्त मूलकों के उत्पादन को विमोचित कर सकते हैं। जल संरक्षण से प्रश्न देखिए, झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण गठित हुआ वर्ष 2009 में। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम लागू हुआ 1974 ईस्वी में। विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। जैविक संसाधन नहीं है शुद्ध जल। भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया वर्ष 1985 में। सितंबर 1995 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण NRCA कर दिया गया। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का वर्तमान में इसे राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण NRCA के नाम से जाना जाता है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। यह केंद्रीय गंगा प्राधिकरण है। नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की स्थापना फरवरी 2009 में की गई।
केंद्रीय बजट 2014 में समन्वित गंगा संरक्षण अभियान को कहा गया है नमामि गंगे। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण NGBRA का गठन किया गया फरवरी 2009 में। NGBRA का लक्ष्य है कि गंगा को उसमें प्रवाहित होने वाले औद्योगिक अपशिष्ट व अशोधित सीवेज जल से मुक्ति दिला दी जाए। वर्ष 2009 में भारत ने स्वच्छ गंगा के लिए स्थापित किया राष्ट्रीय गंगा नदी तलहटी प्राधिकरण, जिस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है राजेंद्र सिंह। तरुण भारत संघ नामक गैर सरकारी संगठन के चेयरमैन राजेंद्र सिंह हैं। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है क्लोरीन को। मरुस्थल क्षेत्रों में जलह्रास को रोकने के लिए पूर्ण रूपांतरण होता है कठोर एवं मोमीपर्ण, लघुपर्ण अथवा पर्णहीनता। पर्ण की जगह कांटों में रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधों की पत्तियां जलहानि रोकने के लिए प्रायः बदल जाती हैं कांटों में। गंगा नदी डॉल्फिन की समष्टि में ह्रास के लिए शिकार चोरी के अलावा और क्या संभव कारण है कि नदियों पर बांधों और बराजों का निर्माण, संयोग से मछली पकड़ने के जालों में फंस जाना, नदियों के आसपास के फसल खेतों में संलिष्ट उर्वरकों और अन्य कृषि रसायनों का इस्तेमाल। IUCN ने इन्हें रेड लिस्ट सूची में संकटग्रस्त वर्ग में रखा है। गैंगेटिक डॉल्फिन, कई डॉल्फिन संयोग से मछली पकड़ने वाले जाल में फंस जाती हैं, इसे कहते हैं बाईकैच। गंगा नदी डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम है प्लास्टेनिस्टा गंगेटिका। गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण कार्यक्रम आरंभ किया गया था वर्ष 1997 में। भारत का राष्ट्रीय जल जीव घोषित किया गया डॉल्फिन को। यदि राष्ट्रीय जल मिशन सही ढंग से और पूर्णतः लागू किया जाए तो देश पर उनका प्रभाव पड़ेगा। शहरी क्षेत्रों की जल आवश्यकताओं की आंशिक आपूर्ति अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण से हो सकेगी। ऐसे समुद्र तटीय शहर जिनके पास जल के पर्याप्त वैकल्पिक स्रोत हैं कि जल आवश्यकताओं की आपूर्ति ऐसी समुचित प्रौद्योगिकी व्यवहार में लाकर की जा सकेगी जो समुद्री जल को प्रयोग लायक बना सकेगी। 30 जून 2008 को जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना आरंभ की गई थी। इसी कार्य योजना का एक भाग है राष्ट्रीय जल मिशन वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन से एक्ट लागू किया गया 1977 ईस्वी में। चेन्नई, कानपुर, कोलकाता तथा मुंबई में से पेयजल में संख्या प्रदूषण सर्वाधिक है। कोलकाता में जल शुद्धिकरण प्रणालियों में पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट UV विकिरण की भूमिका है। यह जल में उपस्थित नुकसानदेह सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय नष्ट कर देती है। पराबैंगनी विकिरण एक प्रकार का है विद्युत चुंबकीय विकिरण। जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है ओजोन, क्लोरीन डाइऑक्साइड, क्लोरामीन। यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया 1993 में। यमुना कार्य योजना तथा गोमती कार्य योजना को अप्रैल 1993 में अनुमोदित किया गया है। गंगा कार्य योजना द्वितीय चरण के तहत श्री 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 रवि शंकर की संस्था आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल आयोजित किया गया था 11 से 13 मार्च 2016 के बीच। वर्तमान में मैली से निर्मल यमुना पुनरुद्धार योजना 2017 चलाई जा रही है। यह स्वच्छता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यमुना की राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की प्रमुख विशेषताएं हैं नदी बेसिन योजना एवं प्रबंधन की इकाई है। यह राष्ट्रीय स्तर पर नदी संरक्षण प्रयासों की अगुवाई करता है।
इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। उन राज्यों के मुख्यमंत्री जिनसे गंगा होकर बहती है इस प्राधिकरण के सदस्य होते हैं। वह प्राधिकरण है राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण। प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना NLCP के अंतर्गत जिन शहरी क्षेत्रों में पड़ने वाले जलमग्न भूमि को चुना गया है वे हैं भोज मध्य प्रदेश, सुखना चंडीगढ़, पिचोला राजस्थान। NLCP के अंतर्गत ओडिशा की झील शामिल है बिंदु सागर। राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है भीमताल को। फरवरी 2013 में राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना और राष्ट्रीय नम भूमि संरक्षण कार्यक्रम को समन्वित कर आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिक तंत्र संरक्षण योजना विविध से प्रश्न देखिए। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का मुख्य विषय थीम था प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करो, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। भारत सरकार के विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय DMI द्वारा जारी एक गुणवत्ता प्रमाणन चिन्ह है एगमार का, जिसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र, इसकी स्थापना वर्ष 1983-84 में की गई। दक्षिण गंगोत्री भारत ने अपने दूसरे अनुसंधान केंद्र मैत्री की स्थापना की 1988-89 में। अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम है भारती। भारती की स्थापना की गई 2012 में। 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है एजेंडा 21। सतत विकास के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र की गैर बद्ध स्वैच्छिक कार्य योजना है एजेंडा 21। यह कार्य योजना 1992 ईस्वी में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में संपन्न पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCED के दौरान सृजित की गई थी एजेंडा 21। एजेंडा 21 जिस क्षेत्र से संबंधित है उसे सतत विकास कहते हैं। सूची को देखिए, सही सुमेलित है। त्वचा कैंसर पराबैंगनी प्रकाश के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का मापक डेसीबल से, वैश्विक तापन कार्बन डाइऑक्साइड से, ओजोन छिद्र क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क स्थापित किया गया लखनऊ में। पोषण का राष्ट्रीय संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद में। भारत का वन्य जीव संस्थान वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून में। आयुर्वेद का राष्ट्रीय संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी पुणे में। जयपुर के जंतर मंतर को यूनेस्को UNESCO द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा घोषित होने के साथ भारत में अगस्त 2010 तक कितने स्थलों को यह दर्जा प्राप्त हो चुका है? 28। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित की गई इमारत है महाबोधि मंदिर। सुनामी की उत्पत्ति जिसके द्वारा होती है वह है समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से। पारिस्थितिकी विज्ञानों का केंद्र बंगलुरु है। भारतीय वन्य प्राणी संस्थान देहरादून में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में। हिमालयी पर्यावरण एवं विकास का गोविंद बल्लभपन संस्थान अल्मोड़ा में। प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार होता है पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान। सही सुमेलित है। एपिको आंदोलन पी हेगड़े से, चिपको आंदोलन SL बहुगुणा द्वारा, नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटकर से, शांत घाटी आंदोलन डॉक्टर सलीम अली से।
भारत में रैली फॉर वैली प्रोग्राम का आयोजन निम्न में से जिस एक समस्या को उजागर करने के लिए किया गया था वह है विस्थापितों के पुनर्वास की समस्या। विश्व परिवेश दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। विश्व तंबाकू निरोध दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 31 मई को। 19 नवंबर जिस दिवस के रूप में मनाया जाता है विश्व शौचालय दिवस। सही सुमेलित है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। विश्व पर्यावास दिवस अक्टूबर का प्रथम सोमवार। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान आधिकारिक रूप से प्रारंभ किया गांधी जयंती पर। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क की स्थापना जिस जिले में की जा रही है वह है धार। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी जोधपुर में, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट नई दिल्ली में। एगमार्का एक्ट भारत में लागू किया गया है 1937 में। विज्ञान का वह क्षेत्र जिस एक में बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है कृषि। भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी गंगा की डॉल्फिन। मौसम विज्ञान संबंधी प्रेषण के लिए जिसको गुब्बारे को भरने में उपयोग में लाया जाता है हीलियम। मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठतर जीवन यापन के लिए जो कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वनारोपण। अगर किसी क्षेत्र का लैंड स्टैट आंकड़ा आज मिलता है तो उसके पश्चिम में स्थित क्षेत्र का आंकड़ा कब उपलब्ध होगा उसी समय स्थानीय समय के अनुसार कुछ दिनों के बाद। हरिकेन ने सन 2012 में यूएसए के उत्तर पूर्व एवं पूर्वी तटीय प्रांतों को दुष्प्रभावित किया। सैंडी धूल प्रदूषण को रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है सीता अशोक। एजेंडा 21 समझौते हैं 4। यह नए शास्त्रों के प्रादुर्भाव को रोकने के लिए रासायनिक उद्योग का अन्वेषण करता है। यह राज्यों पार्टियों को रासायनिक आयुध के खतरे के विरुद्ध सहायता एवं संरक्षण प्रदान करता है। रासायनिक आयुध निषेध संगठन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वीपन्स। इस समय 1992 सदस्य देश हैं जो विश्व को रासायनिक हथियारों से मुक्त करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। विश्व की 98% जनसंख्या भूभाग व रासायनिक कारखानों का प्रतिनिधित्व करते हैं OPCW के सदस्य देश। हरित भारत मिशन ग्रीन इंडिया मिशन के उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है। वन आच्छादन की पुनर्प्राप्ति और संवर्धन करना तथा अनुकूलन अडैप्टेशन एवं न्यूनीकरण मिटिगेशन के संयुक्त उपायों से जलवायु परिवर्तन का प्रत्युत्तर देना। प्रतिष्ठित टायलर पुरस्कार जिस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है पर्यावरण सुरक्षा। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतर योगदान के लिए। स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। प्राकृतिक आपदा ह्रासीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दशक माना जाता है वर्ष 1990-1999 को। प्रत्येक मास के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाता है सियरा लियोन, जिसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है ऑस्ट्रेलिया, जिसे डायनासोर्स का कब्रिस्तान कहा जाता है मोंटाना। इकोमार्क योजना 1991 में उपभोक्ताओं को ऐसे उत्पादों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु आरंभ की गई जिनका पर्यावरणीय प्रभाव कम हानिकर हो। उपभोक्ता उत्पादों में से इस योजना के अंतर्गत अधिसूचित है साबुन एवं अपमार्जक, कागज एवं प्लास्टिक, सौंदर्य प्रसाधन एवं एरोसॉल। भारत में पूर्व संवेशित प्री पैकेज्ड वस्तुओं के संदर्भ में
खाद्य सुरक्षा और मानक पैकेजिंग लेबलिंग विनियम 2011 के अनुसार किसी निर्माता अनिवार्य है वह है संगठकों की सूची जिसमें संयोजी शामिल हैं पोषक विषयक सूचना शाकाहारी मांसाहारी जो भारतीय वैज्ञानिक UNEP द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी अभिमत हैं MS स्वामीनाथन। यह क्रिया आधारित अनुसंधान शिक्षा एवं लोक जागरूकता के माध्यम से प्रकृति को बचाने का प्रयास करता है। यह आम जनता के लिए प्राकृतिक खोज यात्राओं एवं शिविरों का आयोजन एवं संचालन करता है। बम्बई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS सदाबहार फल वृक्ष लोकार्ट मौसम अनुश्रवण युक्त सोडार स्थापित है। कैगा तथा कल्पक्कम में देश में विंटर लाइन की प्राकृतिक परिघटना जिस नगर में दृश्यमान होती है वह है मसूरी। प्रायद्वीपीय भारत निम्न हिमयुगों में से जिस युग में हिमानीकृत हुआ वह है प्लेस्टोसीन हिमयुग। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से होकर गुजरते हैं तो आपको यह देखने को मिल सकता है अनेक प्रकार के पक्षी चरने वाले पशुओं भैंसों के पीछे पीछे चलते हैं। उनके घासों में चलने से अशांत होने वाले कीटों को पकड़ते हैं। ऐसा पक्षी है साधारण मैना या हिमालय के दक्षिण में उष्णकटिबंधीय एशिया में पाया जाने वाला पक्षी है। इसका मुख्य आहार आर्द्र भूमि के छिछले जलीय स्थलों में पाई जाने वाली छोटी मछलियां हैं। चित्रित बलाक यह तिब्बत के पठार भूटान भारत के अरुणाचल प्रदेश लद्दाख आदि में पाया जाता है। यह सर्वभक्षी है जो पौधों की जड़ कंदमूल आलू कीड़े मकोड़े मछलियां मेंढक अनाज सभी कुछ खाता है किंतु मुख्य रूप से कटाई के पश्चात धानों में अन्न के अवशेषों को अपने आहार के रूप में प्रयोग करता है। काली गर्दन वाला सारस शीतोष्ण कटिबंधी वन उष्णकटिबंधी वन शीतोष्ण कटिबंधी घास प्रदेश तथा उष्णकटिबंधी सवाना में से जिसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है शीतोष्ण कटिबंधी घास प्रदेश भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क स्थित है। कच्छ की खाड़ी में भितरकनिका जिसे विश्व धरोहर स्थल की सूची में सम्मिलित किया गया है अवस्थित है उड़ीसा में। तो इसी के साथ जो है ये आपका पॉइंटर पर्यावरण पारिस्थितिकी समाप्त होता है। प्रिय मित्रों भाइयों एवं बहनों मैं आपको बहुत कम समय में बहुत अधिक प्रश्नों का रिवीजन करा दिया। आप लोग हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। बस यही आपसे मेरी रिक्वेस्ट है और यही आप इतना कर देते हैं तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा और आगे भी इसी तरह का वीडियो लेक्चर आपको अच्छी से अच्छी PDF के माध्यम से देने की कोशिश करूंगा। तो प्रिय भाइयों बहनों एवं मित्रों थैंक्स अ लॉट ऑफ। हम जल्द ही मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा नमस्ते।